दोस्तों, जंगल और आदिवासी दोनों एक दूसरे के पूरक है। आदिवासी अपने जल जंगल की रक्षा करते हैं और जंगल उन्हें जीवन देता है। बस्तर के जीवनदायिनी जंगल के बीच बसा एक गांव गढ़ बंगाल और वहां रहता उस गांव का हीरो चेंद्रू, जिसके किस्से हॉलीवुड तक पहुंच चुके हैं। चेंद्रू मांडवी जो एक मुरिया आदिवासी था, उसके पिता और दादा एक कुशल शिकारी थे। एक दिन जंगल से वह चेंद्रू के लिए एक तोहफा लाए, तोहफा एक दोस्ती का, जिसने चेंद्रू का जीवन ही बदल दिया। बांस की टोकरी में छुपे तोहफे को देखने चेंद्रू बड़ा ही उत्साहित था और जब टोकरी खुली, चेंद्रू ने अपने सोच से परे कुछ पाया। टोकरी में था एक बाघ का बच्चा, जिसे देख चेंद्रू ने उसे गले लगा लिया और इस मुलाकात से बाघ और चेंद्रू की दोस्ती की शुरुआत हो गई। चेंद्रू ने उस बाघ का नाम रखा टेंबू। टेंबू और चेंद्रू साथ गांव में घूमते, जंगल जाते, नदी में मछलियां पकड़ते और जंगल में कभी तेंदुए मिल जाते तो वह भी इसके साथ खेलने लगते। जब चेंद्रू और टेंबू रात को घर आते, चेंद्रू की माँ उनके लिए चावल और मछली बनाकर रखती थी। दोस्ती का यह किस्सा गांव-गांव तक फैलने लगा और एक दिन विदेश में स्वीडन तक पहुंच गया। स्वीडन के मशहूर डायरेक्टर आर के सक्सडोर्फ को जब यह किस्सा पता चला तो वह सीधा बस्तर आ पहुंचे। सोची एक ऐसा दृश्य जहां एक इंसान और एक बाघ एक दूसरे के दोस्त हो, दोनों में कोई बैर नहीं, जिनकी सुबह साथ में होती और रात भी। कोई भी ऐसा किस्सा सुन ले तो अपनी आंखों से देख कर ही दम भरे। जब ऐसा दृश्य डायरेक्टर ने सामने आया तो जिसे देख उस दृश्य को उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाने का फैसला किया। आर के सक्सडोर्फ ने फिल्म बनाई द फ्लूट एंड द एरो, जिसे भारत में नाम दिया गया द जंगल सांगा। फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब सफल रही। 1957 में बनी इस फिल्म को 1958 के कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में जगह मिली। फिल्म की शूटिंग के समय अरेन सक्सडोर्फ और चेंद्रू में एक रिश्ता सा बन गया। अरेन सक्सडोर्फ के शब्द थे कि चेंद्रू को अपने बेटे की तरह देखते थे। फिल्म की वजह से चेंद्रू और टेंबू की कहानी दुनिया में देखी। अब दुनिया चेंद्रू को करीब से देखने की लालसी में थी। अरेन भी चाहते थे कि चेंद्रू को वो जगह देखे जहां से वे आए हैं, तो उन्होंने चेंद्रू को स्वीडन ले जाने का सोचा और वो उसे स्वीडन ले गए। स्वीडन चेंद्रू के लिए एक अलग सी दुनिया थी। उन्होंने चेंद्रू को पढ़ने के लिए कहा, पर चेंद्रू के पिता ने उन्हें वापस बुला लिया। चेंद्रू अब बस्तर के अपने गांव में वापस आ गए, पर वापस आने के कुछ दिनों बाद टेंबू चल बसा और चेंद्रू उदास रहने लगा। वह धीरे धीरे पुरानी जिंदगी में लौट आया और फिर गुमनाम हो गया। बस्तर के जंगलों से हॉलीवुड का स्टार और फिर गुमनामी कहानी फिल्मी है पर सच है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी। मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए NS Point यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।